फटे हुए जूते, फटे हुए पैंट, क्या ही अब मैं बताऊँ, लाइफ हो गई है। So what is up guys, this is Anshu here again and welcome back to my channel। तो आज का वेदर काइंड ऑफ देख ही सकते हो गया आप लोग के कुछ खास नहीं है, लगता है बारिश पड़ेगा बट नो वरीज। आज हम लोग इसी वेदर में निकलेंगे एक और एडवेंचर की तरफ, जस्ट लाइक अ बाइकर, ट्रू एडवेंचरर। सो जाना देर करते हुए जाना, लेट्स गो, लेट्स फोकस ऑन द एडवेंचर, लेट्स एंजॉय द एडवेंचर। चलो साका लाका बूम बूम। सो फाइनली अपन लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप। फाइनली हम लोगों ने भर लिया पेट्रोल, अब हम लोग चलेंगे राइड पे। कहा था पहले ही कि आज फिलहाल हो रहा है बारिश का मौसम एंड लगता है मेरा भविष्यवाणी सही निकला, बारिश हो चुका है स्टार्ट। बट मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर राइडर्स, वी आर ट्रू एडवेंचरर्स। बारिश में भी चलेंगे, बारिश में भी घूमेंगे। एंड गाड़ी में भी ऑसम वाला फीलिंग आ रहा है। सो गाइस ये रहा अपना मॉकड़क का ब्रिज, जो कि है बहुत सा ब्यूटीफुल। फिलहाल मैं कर देते हैं साइड में बाइक को पार्क एंड आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को ये ब्यूटीफुल सा जगह। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपने मॉकड़क वाले जगह पे, मॉकड़क ब्रिज। सो वेदर बहुत ब्यूटीफुल सा है एंड ये रहा हमारा ब्रिज। आगे देखते हैं कैसा दिखता है ब्रिज से हमारा नज़ारा। फाइनली धूप भी आ चुका है। छोटा सा वेंडर शॉप, द फेमस मॉकड़क ब्रिज। क्या ही बोलूँ मौसम का, मतलब मॉनसून सीज़न चल रहा है तो दिन भर बारिश पड़ता है एंड शाम को धूप एंड ब्यूटीफुल सा सेक्सी सा वेदर। वाओ। एंड जो लोग भी मेरा रिसेंटली सारे वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को पता ही शिलॉन्ग में क्या हाल चल रहा है। दिन में बारिश पड़ रहा है एंड शाम को मिलता है अच्छा सा वेदर। ये रहा हमारा मॉकडॉक ब्रिज का नीचे वाला जगह। ये सीढ़ी उस साइड से ज़्यादा था, जिस लाइक मैं आगे से दिखा रहा था वो पॉइंट से जाएगा नीचे एंड यू कैन गो टू द रिवर। दैट इज़ द रिवर एंड वो रहा आपका व्यू पॉइंट। ठीक, वो चिंता मत करिए, मैं इस वीडियो में आपको उस जगह पे भी लेके जाऊंगा। टिल देन देखते जाओ, इस ब्रिज को देखते जाओ और अच्छा से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा है। दूर से देख के ऐसा लग रहा है मरमेड को ठंडा लग गया। मिस मरमेड, कैसा है आप? ठीक, सब बढ़िया, चलो ठीक है, चलते हैं आप। पीछे था हमारा मॉकडॉक का ब्रिज। ये रास्ता जस्ट लाइक आप लोग देख रहे होंगे, एक पार्क से कम नहीं है जगह। और झूला है, एक फिशरीज है, लेक है। इस साइड भी मस्त का व्यू है लेक का। और इस सीढ़ी से आप लोग जाओगे तो इस व्यू पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे मछलियाँ होंगी। फिशेस एवरीवेयर, फिशेस, मछली ही मछली दिख रहा है। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी हल्का हो लूँ, एंटी डिप्रेसिव मोमेंट्स को एंजॉय कर लूँ, फिर से बच्चा बन जाऊँ। चलो चलो, तो हेलो गाइस, आगे और सीढ़ी इस रास्ते से अपन लोग चलेंगे आप व्यू पॉइंट तक। चलो चलो चलते हैं। सो इतने लंबे चौड़े स्ट्रगल के बाद माउंटेन का क्लाइंब करके बड़े बड़े सीढ़ी चढ़ के फाइनली हम लोग जगह पर पहुंच चुके हैं जिसका हम लोगों को बहुत देर से इंतज़ार था। वंडरफुल ब्यूटीफुल सा व्यू पॉइंट। एंड जैसे मैंने जैसे आप लोगों को कहा था, पूरा का पूरा मॉकड़ोक का ब्रिज जैसे दिखता है, वैलीज भी दिखेगा। एंड बाय द वे, फॉर योर नॉलेज का पर्पज़ के लिए, डेट इज़ कॉल्ड डिम्पैप वैली, अपना मॉकड़ोक ब्रिज। एंड उस साइड से आप उन लोग शिलॉन्ग से आते हैं एंड यही रास्ता रूट को फॉलो करके अगर आप लोग जाओगे तो चेरापूंजी पहुंच जाओगे। इतना मशक्कत, इतना चढ़ान के बाद फाइनली जो व्यू मिला है वर्थ इट है आई गेस, बिकॉज इससे बेस्ट नज़ारा और क्या ही हो सकता है। जाने का टाइम हो गया। अब मॉकडॉक से चलते हैं घर को। उससे पहले एक जादू। तो आज के लिए हमारा एडवेंचर ब्लॉगिंग रहेगा इतने ही तक। बट निराश मत होइए, बिकॉज फिर से मैं आऊँगा ऑसम वाला ब्लॉग लेके, एक नया सा एडवेंचर लेके, एक नया सा वीडियो के साथ आऊँगा। बट सही में आज तो बहुत मज़ा आया, थोड़ा चिल सा मौसम, वैलीज, नज़ारा, ब्यूटीफुल सा ब्लॉगिंग, मज़ा आया बहुत। सो इसी के साथ करते हैं हम लोग इस वीडियो का एंड। एंड यस, जाते जाते मैं बोलूँगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड जो लोग नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। So we go with the flow. Just love me harder. I'm no